हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज मेरे पास जो है क्वेश्चंस करेंगे हम अगेन nth टर्म जो है एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का हमने यस्टरडे स्टार्ट कर दिया था कॉन्सेप्ट इसका। तो आज क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे है, हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3 द क्वेश्चन नंबर फोर। How many terms of an AP? 9, 17, 25, so on must be taken so that the sum is 636. Ab how many terms hai na beta? How many terms? What does it mean? That means I need to calculate n beta. वैसे भी clear cut देखिए, आपके पास a is mentioned here. D जो है दैट इज 17 माइनस 9 कितना हो गया हमारे पास, दैट इज 8। D इज गिवन, A इज गिवन, S N इज गिवन 636। तो जब भी S N की बात हो रही है तो दैट मीन्स आई नीड टू कैलकुलेट और यूज द फॉर्मूला S N। क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास? हाँ जी दीक्षित दक्षिता, क्या फॉर्मूला बेटा एस एन का? एन ओवर टू ब्रैकेट ए प्लस एल। ओके, ए प्लस एल। अब देखो बेटा, ए प्लस एल फॉर्मूला लगाने का कोई बेनिफिट ही नहीं है क्योंकि एल टर्म मेरे पास नहीं है, लास्ट टर्म इज नॉट मेंशन हियर। ओके, तो मैं क्या यूज करूंगी? नेक्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा। फॉर्मूला को गलत नहीं, ओके? तो अब बेटा देखिए, sn की वैल्यू 636, n मुझे कैलकुलेट करना है, 2a, a की वैल्यू मेरे पास 9 है, अगेन आई नीड टू कैलकुलेट n, और मेरे पास जो है d दैट इज 8। ओके, तो अब बेटा मैं क्या करूंगी, ब्रैकेट्स को ओपन करूंगी, ये टू इधर मल्टीप्लाई डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे पास क्या बनेगा, 12, 167 और अगेन 12, और इधर मेरे पास जो है n इंटू 18 प्लस 8 n माइनस 8 और 1272 इज इक्वल टू मेरे पास जो है 18 माइनस 8 10, तो 10 प्लस 8n। ओके बेटा, अब क्या करें, ब्रैकेट्स को ओपन कर लें। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं सारा कुछ तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, लेट अस सी व्हाट आई विल गेट हियर। अब मेरे पास कैलकुलेशंस करने पे आई विल गेट दिस इंप्लाइज, हाँ जी, पहले 8n स्क्वायर प्लस 10n और इसको उधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, माइनस 12720। ओके, अब बेटा सारी टर्म 2 से डिवाइड हो रही है तो डिवाइड कर दे, कैलकुलेशन उतनी हमारी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, ठीक है ना? तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, दिस इंप्लाइज 4n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब बेटा आपकी मर्जी है, आप चाहे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का फॉर्मूला लगा लो, आप चाहे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये आप पे डिपेंड है। तो मेरे पास जो है यहाँ पर क्या बनेगा, इफ यू सी मेरे पास जो है यहाँ पर एन के सीधा मैं डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए और ये सी बाय 2a। ओके बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर अगर देखेंगे तो माइनस 5 प्लस माइनस, अब बेटा देखो 25 ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, 4 4 का 16 हो गया। अब 636 को 16 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 3 18, 19, 20, 21, 2, 12, 14,
636 और ये 6778, ओके okay, इसमें 25 ऐड भी कर देते, 25 जब मैंने ऐड किया 1 और ये 6 8 और ये 8, तो दैट मींस ये सीधा सॉल्व करके 8861 ओवर 8 आ, ओके okay? अब हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पर, अब स्क्वायर रूट को ओपन करेंगे ना, ये सारी कैलकुलेशन आपको इसीलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, तो मेरे पास जो है ठीक है ना, तो क्या करेंगे 8861, हाँ जी क्या करते हैं 77 द 49, 99 द 81 और 761 जो यहाँ पर होता है उसका डबल, अब क्या लगाए यहाँ पर, देखो पीछे 1 है, या तो 1 लग सकता है, 1 से कोई फायदा नहीं है, और क्या लग सकता है 9 लग सकता है, 99 द 81, तो ये पूरा कैलकुलेशन जो है देखिए जा नहीं रही है, चेक कर लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं हमने की है, लेट अस सी इफ एनी मिस्टेक वी हैव डन, 7 7 नो, चेक करिए बेटा, लेट अस फाइंड इफ, हाँ जी बेटा हमने कैलकुलेशंस दोबारा की है, मैं दोबारा प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रही हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंगली n कॉमन लिया तो 4n प्लस 53 और यहाँ से 48 से देखिए 12 आई थिंक कॉमन आएगा, अगर मैं देखूँ तो ये 12 प्लस 3 3 के टेबल में जा रहा है, 2 के टेबल में जा रहा है, तो 4 के टेबल में मैं चेक कर लेती हूँ क्योंकि तभी मेरा 12 कॉमन आएगा, अगर देखूँ तो क्योंकि 4 मुझे लेफ्ट चाहिए ना, तो 4 से डिवाइड किया तो मैंने देखा 12 बच रहा है, तो दैट मींस 12 कॉमन आना चाहिए, तो 12 के टेबल पे ये डिवाइड होना चाहिए तभी ये पॉसिबिलिटी है ना मेरे पास, तो 636 को अगर मैं 12 से डिवाइड करके देखूं तो मैं सीधा 4 से, क्योंकि 3 से तो जा ही रहा, 4 मेरे पास 1 का 2 3 और मेरे पास जो है 20 और 36, यस पूरा पूरा जा रहा है, तो दैट मींस लेट अस टेक अ कॉमन, मेरे पास जो है 12, ठीक है, तो मेरे पास 4n प्लस 53 बच रहा है और यहाँ से n माइनस 12 और 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, जो बात मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ इम्पोर्टेंट, देखिए n की वैल्यू एक निकली 12, एक निकली माइनस 53 बाय 4, बेटा n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, n कैन नेवर बी नेगेटिव, अब अगर n नेगेटिव नहीं है तो व्हाट डज इट मींस, मेरे पास ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, n ना तो कभी फ्रैक्शन में होता है ना ही कभी नेगेटिव होता है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचती है कि as n can never be negative, तो therefore n is equal to 12, that means मैं 12 टर्म्स लूंगी तो मेरा सम जो है मुझे बोला गया जो 636 उतना ही आएगा, ओके बेटा क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहाँ पर, हाँ जी बेटा लेट अस स्टार्ट विद नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन नंबर 5th जो है मेरे पास, नाउ व्हाट इज रिटन हियर इन द क्वेश्चन नंबर 5th, ओके that is the first term of an AP that is given to me 5, that means A is given to me 5, okay, and the last term L, last term ko hum L se bhi likh sakte hain beta, T N se bhi likh sakte hain, that is 45 and sum of N terms that is given to you 400, yahan to clear cut mention hai, find the number of terms and the common difference, I need to calculate n, I need to calculate d. अब यहाँ पर दक्षिता हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि मेरे पास a भी दी है, लास्ट टर्म भी दी, तो 100% I can use the formula that is Sn is equal to n by 2 a plus l, क्योंकि मुझे डायरेक्टली दिया हुआ सब कुछ, ओके तो मेरे पास Sn that is 400,
n मुझे कैलकुलेट करना है, y2 a is 5 and the last term is 45. अब 2 को इधर ले जाएं तो 2 800 n, और बेटा ये कितना बना 50. ओके तो n मेरा कितना आ गया 800 by 50. इसको कीजिए कटिंग कीजिए, 5 1 था और 30 तो 6. अब यहाँ कोई क्वाड्रेटिक नहीं बनी ना थी n में, यहाँ तो सिंपल ही आ गया, तो दैट मींस n मेरे पास 16 आ गया, एक पार्ट हो गया. नाउ व्हाट इज रिटन, वी हैव टू कैलकुलेट d. तो बेटा tn जो है अगर 45 है तो a प्लस n माइनस 1 इनटू d, 45 है तो a इज 5 एंड n माइनस 1 इनटू d, d मुझे कैलकुलेट करना है और n मैंने कैलकुलेट कर लिए, तो यहाँ 16 माइनस 1 15 d 45. अब 15 d ये कितना आ गया 40 और d 40 by 50, कटिंग कर लीजिए 5 3 5 8, तो d भी आ गया मेरे पास. दिस कंप्लीट्स माय क्वेश्चन. ओके बेटा बात क्लियर है सबको, चले बेटा आगे. ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं किसी को? हाँ जी, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5th जो है हो गया हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 6th करेंगे बेटा. तो व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन नंबर 6th? हाँ जी बिसम रीड द क्वेश्चन बेटा, बिसम रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट इज गिवन. हाँ जी बिसम, आई एम नॉट एबल टू लिसन टू यू. ओके मैम, वेट. हाँ जी स्पीक लाउडली बेटा, स्पीक लाउडली. अभी तक बुक नहीं खुली आपकी. हाँ जी नेक्स्ट दीक्षांत, दीक्षांत रीड द क्वेश्चन नंबर 6. दीक्षांत रीड द क्वेश्चन नंबर 6. वेरी नाइस. हाँ जी जिया धवन, जिया धवन यस दीक्षांत बोलिए बेटा, स्पीक इट बेटा दीक्षांत. माइट बी सम प्रॉब्लम इज देयर दीक्षांत फ्रॉम योर साइड. जिया धवन हाँ जी, लक्ष्य कक्कर अनम्यूट योर सेल्फ. मैम वेट दीक्षा, दक्ष यू आर नाउ आउट ऑफ द क्लास. हाँ जी बेटा यस लक्ष्य रीड द क्वेश्चन बेटा. द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली. इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 How many terms are there and what is their sum? आज कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? Yes ma'am, 2 minutes. ma'am a 17 हो गया. हाँ जी. a n 350. okay. d is 9. yes. एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे, एन बाई टू ए प्लस ए एन. बिल्कुल बेटा, एन बाई टू ए प्लस एन. एंड एक और एक हम लगाएंगे, क्या कहते हैं,
जिससे हम दो इक्वेशंस बनाएंगे, एलिमिनेशन से निकल जाएगा। दो इक्वेशंस बेटा बनाने के इक्वल्स टू ए प्लस एन एन माइनस वन डी। बिल्कुल बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन या टी एन जो भी आप लिखते हो, 350। दो इक्वेशंस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 17 प्लस यहाँ से एन कैलकुलेट होगा हमारा 17, पहले उधर जाके माइनस कर देते हैं, जब माइनस करेंगे तो 3 और 3 3 दिस इज लेफ्ट हियर, और एन माइनस वन इंटू 9, और 9 से अगली बार में डिवाइड होगा, 333 डिवाइडेड बाय 9 इज एन माइनस वन, जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 27 और 63, दैट मीन 7 बचा, ओके, और दैट इज एन माइनस वन, और एन की वैल्यू 38 आ गई। कोई इलिमिनेशन मेथड नहीं लगेगा बेटा, तो एन की वैल्यू आ गई, हमें एन ही चाहिए था क्योंकि ए और एन तो मेरे पास है ही, 38 बाय 2 17 प्लस 350। नाउ डू द कैलकुलेशन एंड यू विल गेट योर आंसर, ओके लक्ष्य, क्लियर? Yes, ma'am. हाँ जी, now the next question बेटा, who is able to do the next question now? हाँ जी, जिया धवन, जिया धवन, unmute yourself बेटा। ओके, हर्षिता, यस बेटा, हर्षिता बताइए बेटा, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन हर्षिता। यस मैम। हाँ जी, स्पीकिंग। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। ओके, here it is written 22nd term is 149 और मुझे sum of 22 terms ही calculate करना है, कैसे start करेंगे जिया? Oh sorry, हर्षिता? मैम, an is equals to a plus n minus 1d का formula लगा के पहले a निकाल लेंगे। Okay, very good, मेरे पास हो गए t 22 है 149 और मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि a plus 21 d is 149 और मेरे पास a value as it is है और d मेरे पास given है 7, तो I can put the value here it is 7147 और मेरे पास जो है a की value 2 आ गई। अच्छी बात, now what will be the next step, just wait बेटा। हाँ जी हर्षिता, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम अब हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस a n। ओके, बिल्कुल सही है, लास्ट टर्म भी दिए हुए है, a हमने कैलकुलेट कर लिया, n हमें पता है 22 बाय 7 है और a हमारे पास 2 एंड l, l मींस लास्ट टर्म ना, तो हम सम ऑफ 22 टर्म्स ही ले रहे हैं, तो मेरे पास वो 140 9 आएगा एंड दिस इज माय, आप करोगे 11 इनटू, मैं करूंगी तो 151 मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट योर आंसर, ओके बेटा, क्लियर? हाँ जी दिव्यांश, एनी प्रॉब्लम बेटा? यस दिव्यांश, ओके, नो प्रॉब्लम, ओके बेटा, चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ऑल दीज क्वेश्चंस आर सेम, सिर्फ कैलकुलेशन में डिफरेंस है ना, तो अदरवाइज कॉन्सेप्ट आप देखिए, वही दो फॉर्मूले टी एन एस एन, वही दो फॉर्मूले हमारे पास बार बार यूज हो गए। ओके, एक्सक्यूज मैम। हाँ जी दिव्यांश। मैम इसमें हम ए प्लस एल लगा सकते थे फॉर्मूला? हाँ देखो, वही लगाया मैंने, क्योंकि एल क्यों लगाया, क्योंकि दे जस्ट राइट हियर कि सॉल्व फाइंड एस 22, यानी S22 means sum of 22 terms. तो last term तो 22 ही होगी ना दिव्यांश? Yes ma'am. तो वो last term L ही होगी ना, T22. That's why we can apply the formula. Okay? चलिए,
लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8 नाउ. हु इज नाउ एबल टू डिस्कस दिस क्वेश्चन? ओके नव्या, ओके अनम्यूट योरसेल्फ बेटा नव्या. मैम पहले क्वेश्चन बोलूं? हाँ जी बिल्कुल बेटा, यू हैव टू रिसाइट द क्वेश्चन. यस. फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively. Then how to do this? Ma'am, hume A2 diya hai 14 aur A3 diya hai 18. Okay. Then to hum A2 ko likh denge A plus D is equals to 14. Very good. Then? Aur A3 ko likhenge A plus 2D is equals to 18. Then what will be the next step? साइन चेंज करके एलिमिनेशन मेथड लगा के डी हमारा 4 आ जाएगा. ओके माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 4. हमने माइनस किया बेसिकली और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए तो डी की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई. अब आप किसी भी इक्वेशन हाँ जी बोलो बोलो हाँ जी बोलो नव्या बोलिए. तो हमारा ए 10 आ जाएगा. ओके पुटिंग इन इक्वेशन 1, व्हेन यू पुट इन इक्वेशन 1 यू विल गेट A plus 4 is equals to 14. तो A की वैल्यू मेरे पास 10 आ जाएगी. और अब मुझे क्या कैलकुलेट करना था नविया? Sum of first 51 terms. तो हम sum of 51 terms लिखेंगे n by 2 A plus L. A plus n minus 1 D. हाँ क्योंकि L तो है ही नहीं ना, या तो पहले L निकाल लीजिए. जब है ही नहीं है तो हम सीधा ही लगाते हैं फिर 2A. A is 10 और 51 माइनस 1 50 और d इज 4 है ना. तो अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे 51 बाय 2 दैट इज 20 प्लस ये मेरे पास बना 200 और 51 बाय 2 इनटू 220 एंड कैंसिल इट एंड यू विल गेट योर आंसर. ओके एनी प्रॉब्लम दक्ष भानु एनी प्रॉब्लम यू वांट टू डिस्कस? Otherwise, lower your hand. Yes, Bhanu. Haan ji, Bhanu, beta. Bhanu, yes, beta, what you want to say? Might be net problem ke karan, aapki voice nahi aa rahi hai. Koi baat nahi, you can send me the message. Okay? I will solve your problem. Okay, beta. Let us start with the next question now. The question number 9. Very, very important. बहुत बार paper में आई हुई है. ये जितने भी question है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे question exam में कभी ना कभी आए हुए हैं. Okay? तो let us discuss question number now 9. If the sum of the first 7 terms of an AP that means S7, that is given to you be 49. And that of 17 terms, देखो terms लिखा है, एक word होता है 17 term, ना वहां TH लगा होता है, 17th term, तो वो exact मतलब T17 की बात होती है, जब वो आगे लिख रहा है, sum of 17 terms, that means they are talking about S17. Okay? Clear? So, mere paas jo hai, yahan par clear cut beta diya hua hai S17 and S7. So, I am writing here S7 that is 49 and S17 that is 289 and find the sum of first n terms. Yani answer mein n ka n nahi rahe. Abhi pehle to S7, 7 by 2, 2 A plus 6D, N minus 1 होता है ना, 49. Okay, अब देखो, ये 7 उधर चल जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, तो 2A plus 6D, 49 into 2 by 7. And when you cancel it, तो 2A plus 6D, that is 40. This is my first equation. Okay, now come to next, मेरे पास जो है. अब इसमें क्या है मेरे पास 17 बाय 2. ओके तो 2a प्लस 16d दैट इज 289. सेम प्रोसीजर,
तो मेरे पास 2a plus 16b जो है 289 into 2 by 17, ये cancel तो 17, 17 था 289 होता है ना, तो ये cancel हो गया, तो 2a plus 16d that is 34. ओके, अब मेरे पास ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर, ओके, माइनस माइनस माइनस, तो इट विल कैंसल, यू गेट माइनस 10d और हियर यू गेट माइनस 20, ओके, एंड d इज 2. अब d आ गया आपके पास, किसी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे 1 में चाहे 2 में, ओके, यू कैन पुट इन एनी वन एंड यू विल गेट a. Okay, putting in equation 1, putting in equation 1, then you put D2, so 2A plus 12, 6 into 2, 12D, 12D finish ho gaya, 14, so 2A is equals to 2, aur A ki value kitni aa gayi, 1, theek hai beta, ab kya karenge, mere paas ho gaya yahan par, what we have to do here, now we need to calculate Sn. That is n का n ही रहना है क्योंकि उन्होंने कहा है एस एन कैलकुलेट करना है ना, तो n by 2, 2a, a कितना निकला 1, n minus 1 into d, d कितना निकला 2, ओके, तो n by 2, 2a plus, sorry, 2 plus 2n minus 2, it will cancel, और 2 से 2 भी cancel हो गया, answer is n still. क्लियर बेटा, सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है बेटा, तो आप बेटा जो है आज हमने क्वेश्चन 9 तक कर लिया, 10th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो अब टुमारो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10th, ओके, ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो, ठीक है बेटा, तो उसके बाद तो हमारा जो है ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली माइट बी till tomorrow it will be finished. Okay? Till then, goodbye and